याद है इनकी सरकार? लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराज ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार? ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव-गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी, खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल मध्य से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह का जनसंपर्क अभियान जारी है। सुरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी चुनावी क्षेत्र राजभवन रोड सहित कई जगह प्रचार कर लोगों से वोट देने की अपील की है। भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ ने जनसंपर्क कर चुनाव में भाजपा को एक बार फिर अपना आशीर्वाद देने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबकी पार्टी है और सबका विकास चाहती है। सुरेंद्र नाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जो कार्य किए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने पिछले कई सालों में नहीं किए। जनसंपर्क कर रहे सुरेंद्र नाथ सिंह ने लोगों की समस्याओं को भी जाना और उन्हें दूर करने की भी बात कही। बता दें कि सुरेंद्र नाथ पहले भी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि मध्य की जनता ने पहले भी उनको अपना कीमती वोट देकर जिताया था, इस बार भी उन्हें ही जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिछले चुनाव में सुरेंद्र नाथ को लगभग 70,600 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के आरिफ मकसूद को लगभग 63,700 वोट प्राप्त हुए थे। इस बार भी मध्य विधानसभा से सुरेंद्र नाथ सिंह की आरिफ मकसूद से सीधे टक्कर है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार? जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था
जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार? ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।